हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं ट्रिपल सी क्रैश कोर्स। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी, हाई लेवल लैंग्वेज पूछ देता है कि इनमें से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज है या नहीं है, ठीक है, कौन डेवलप किया है, ठीक है। तो यहाँ देख लो, फोरट्रैन, फोरट्रैन का जो मेन नाम है क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। FOR से मतलब होता है फार्मूला, और ट्रांसलेशन का नाम है। इसको डेवलप किया गया था 1957 में, और मेन बेसिक क्या था, प्रोग्रामर्स के लिए समूह ने बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया, ठीक है। बेल प्रयोगशाला था वहाँ पर, उसमें डेवलप किया गया। और इसका यूज़ कहाँ होता है, किस क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, यानी मैथमेटिकल गणना करना हो तो फोरट्रैन का इस्तेमाल होता है। और अलगोल क्या है, यानी अल्गोरिदम लैंग्वेज, इसको 1958 में डेवलप किया गया, यूरोपियन तथा अमेरिकन कंप्यूटर वैज्ञानिकों के समूह ने इसको डेवलप किया, ठीक है। यानी इसका जो बेसिक यूज़ होता है कि यहाँ पर अल्गोरिदम, यानी साइंटिफिक रिलेटेड कोई भी अनुप्रयोग होता है, ठीक है, रिसर्च होता है, उसमें यूज़ होता है। इसके बाद LISP क्या है, लिस्ट प्रोसेसिंग, 1958 में जॉन मैकार्थी ने MIT इंस्टीट्यूट में विकसित किया, ठीक है। ये इसका यूज़ कहाँ होगा, बेसिकली यहाँ पे यूज़ होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी AI की बात करेंगे हम, ठीक है। तो हम बात करेंगे किसकी, LISP की, ओके, AI। और कोबोल की बात करें तो कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये 1959 में डेवलप किया गया, ग्रेस सेपर ने डेवलप किया, और पर्पस क्या था, बिजनेस उद्देश्य, ठीक है। एक होता है कोबोल, कोबोल का यूज़ कहाँ किया गया, कोबोल का किस क्षेत्र में यूज़ होता है, वो यूज़ होता है उसका बिजनेस रिलेटेड, ठीक है ना, व्यवसाय में यूज़ होता है। C++ है, ठीक है, C++ है, जावा है, HTML है, .NET है, और ये सब लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जावा है, इसके अंदर आते हैं, ठीक है।